प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। हम आज बात कर रहे हैं विवाह के बंधन के बारे में, मैरिटल बॉन्डिंग के बारे में। विवाह का बंधन वैसे देखिए बहुत नाजुक रिश्ता है और विवाह के बंधन को मजबूत करने के लिए साल भर में बहुत सारे व्रत, पर्व, उपवास, पूजा हम करते हैं, क्योंकि दो लोगों के जीवन को एक साथ समानांतर चलाना इतना आसान काम नहीं है जितना आसान लगता है। अब कौन से वो ग्रह होते हैं जो विवाह के बंधन को जोड़ देते हैं और विवाह के बंधन को मजबूत बनाए रखते हैं? देखिए, विवाह के लिए मुख्य रूप से दो ग्रह जिम्मेदार माने गए हैं। ज्योतिष के दो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह विवाह के लिए जिम्मेदार हैं। महिलाओं के विवाह के लिए बृहस्पति देव महत्वपूर्ण हैं। आचार्य बृहस्पति की भूमिका है महिलाओं के विवाह के लिए, और पुरुषों के विवाह के लिए शुक्र की भूमिका है, आचार्य शुक्र की भूमिका दिखाई देती है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। तो ज्योतिष के जो दो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह हैं, बृहस्पति और शुक्र, यही विवाह के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें, कुल मिला जुला कर देखें, तो कुल मिलाकर वैवाहिक जीवन सबसे ज्यादा शुक्र पर निर्भर करता है, पत्नी के लिए भी और पति के लिए भी। अगर दोनों को मिला करके हम वैवाहिक जीवन को समझें तो उसकी भूमिका होती है शुक्र की। शुक्र अगर कुंडली में खराब है तो विवाह का बंधन मजबूत नहीं रह पाता। लाख प्रयास करने पर भी विवाह में जो हैप्पीनेस होती है, जो संतोष होता है, जो शांति होती है, वो प्राप्त नहीं होती। लेकिन अगर बृहस्पति ठीक है तो किसी न किसी तरह से शादी चलती रहती है। यानी अगर शुक्र खराब हुआ और बृहस्पति बेहतर हुआ तो हो सकता है विवाह बहुत सुखी ना हो, बहुत हैप्पी मैरिटल लाइफ ना हो, लेकिन विवाह चलता रहेगा। और अगर शुक्र अच्छा है, बृहस्पति खराब है, तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन ऐसी स्थिति में भी चलता रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।